हेलो एंड नमस्कार, मैं अनु दीवान। स्वागत है आपका लाइव इंटरैक्शन सेशन में और आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर 12 और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो ये है हमारी खास क्लासरूम, क्योंकि ये है टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिंदी की कविता आत्मपरिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इसके लिए हमारे साथ हमारे इंटरप्रेटर मौजूद हैं उदया हसीजा। उदया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदया हमें साइन लैंग्वेज के माध्यम से ये कविता समझाएंगी। साथ ही हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कमल मल्होत्रा, एचओडी हिंदी जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन से। हेलो सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। अनु जी, आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस कविता से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा कॉलिंग नंबर है 8800440559। मेल करने के लिए हमारे ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जो कि है dth.class12@cit.nic.in। आप अपना सवाल हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। तो सर, इस कविता का शीर्षक है आत्मपरिचय। इसका अर्थ क्या है और ये टाइटल क्यों रखा गया है, इसके पीछे क्या भाव है? अनुजी, ये तो एक तरह से कविता की जो शुरुआत ही है वही कविता का पूरा जिस्ट भी लेकर आती है। आत्मपरिचय का मतलब, हालांकि शाब्दिक अर्थ तो होता है अपना परिचय, और हम अक्सर अपना परिचय लोगों को कुछ कहकर देते हैं कि हम कौन हैं, क्या करते हैं, या लोग एक दूसरे से हमारा परिचय करवाते हैं कि मेरे मित्र हैं या मेरे बंधु हैं, मेरे भाई हैं, इस तरह के परिचय अक्सर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ कविता का जो शीर्षक है आत्मपरिचय, वो केवल अपना परिचय संसार के साथ नहीं है, बाहरी संसार के साथ नहीं है। यहाँ अपने परिचय का मतलब कवि का अपने से भी परिचय है, और ये कवि केवल कवि ही नहीं है, हर मनुष्य का है कि हर मनुष्य का अपने साथ भी कुछ परिचय होता है। हर मनुष्य अपने बारे में कुछ कहता है, अपने बारे में कुछ जानता है जो कि बाकी संसार को नहीं पता है। हम अक्सर दूसरों के सामने अपने आप को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जिस तरह का हमारे सामने वाले से संबंध है। हम अपने भाई से मिलते तो भाई की तरह एक भाई के कर्तव्य को निभाते हैं, एक पिता से मिलते हैं तो एक पुत्र की तरह मिलकर पुत्र का कर्तव्य निभाते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये सभी चीजें हैं। मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आता है, शायद निजा फाजली साहब का ही शेर है कि हर एक इंसान में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना हो बड़े गौर से देखिए। तो यहाँ कवि के अंदर जो भी इंसान है, कवि के अंदर की जो भावना है, कवि का जो अपना परिचय है, कवि अपने आप से परिचय करा रहा है। अगर आप कविता की पंक्तियां देखेंगे, वो सबसे पहले कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, अब यहाँ झंकृत शब्द आता है, झंकृत का मतलब झंकार से बना है, संगीत में है, और कवि को संगीत किस में दिख रहा है, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। आपको ऐसा कोई शायद इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं है जिसमें दो तार हो, एक तारे में एक तार होता है और बाकी सब में किसी में चार तारे, किसी में छह, किसी में सात है। कवि अपनी सांसों का दो तारा करे, एक तार जब वो सांस अंदर ले रहा है और एक तार जब वो सांस बाहर छोड़ रहा है, तो अपने इस जीवन की सांसों को भी वो एक संगीत का नाम दे रहा है। और ये उसके मन के भाव है कि मेरे अंदर जो मैं तो सांसों को भी संगीत में समझता हूँ, ये संसार जो इतना बड़ा है इसमें तो हर जगह कहीं ना कुछ है। तो कवि इस बाहरी संसार से अलग भी है, लेकिन उस अलग संसार के साथ वो सहयोग भी कर रहा है, सामंजस्य भी कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने आप को भी नहीं भुला रहा है। जब वो संसार के साथ मिलता है, सांसारिक दृष्टि से मिलता है, लेकिन अपने परिचय को वो भुलाना नहीं चाहता है, अपने जो उसका आत्म है उस आत्म के साथ वो जी रहा है। कह रहा है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, संसार की चिंता नहीं करता हूं, जो मेरा मुझ में सेल्फ है, जिसे हम सेल्फ कहते हैं, कि बच्चे अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए कुछ और करना चाहते हैं, अपने शिक्षक को दिखाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, कभी अपने मित्रों के बीच में कुछ अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, मुझे इस संसार में संसार से जुड़ाता हूं, लेकिन मैं इस संसार की चिंता में अपने आत्म को समाप्त नहीं करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। संसार तो सारा एक दूसरे के लिए जी रहा है, लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं हमें अपने लिए भी जीना है। हर मनुष्य अपने लिए भी जीता है, और जब वो अपने लिए अपने आत्म के लिए जीता है, यहाँ आत्म का मतलब स्वार्थ नहीं है,
अगर कहीं कोई इस बात में शंका हो कि अपने लिए जीने का मतलब स्वार्थी होना है, या आत्म का मतलब है कि अपने मन के भावों को भी व्यक्त करना चाहिए, केवल दूसरों की कही, दूसरों की देखी या दूसरे जैसा चाहते हैं वैसा ही प्रकट नहीं करना है, अपने आप को भी प्रकट करना है। मैं अक्सर देखता हूं कि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बाकी बच्चों से अलग होते हैं। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हर एक के अंदर अपनी अपनी कोई विशेषता है। अगर हम कक्षा की बात करें तो कोई जो विज्ञान में अच्छा है उसे जो भाषा विषय है वो पसंद नहीं है, जो भाषा में अच्छा है उसका उसे गणित विषय पसंद नहीं है। तो हर एक की अलग अलग विशेषता है, और ये जो अलग अलग विशेषताएं होती हैं यही समाज और संसार का निर्माण करती है। अक्सर बच्चों को खेलकूद का शौक होता है और खेलकूद में एक टीम होती है। आजकल बड़ा क्रिकेट का दौर चल रहा है, बच्चे वेस्ट इंडीज के साथ हमारे मैचों को फॉलो कर रहे हैं, आईपीएल आने वाला है। एक क्रिकेट टीम में भी हर एक की अलग विशेषता है। कोई गेंदबाज बहुत अच्छा है, कोई बल्लेबाज बहुत अच्छा है, कोई विकेट कीपर है, कोई क्षेत्र रक्षक बहुत अच्छा है, कोई बॉलिंग कोच की तरह जुड़ा है, कोई बैटिंग कोच की तरह जुड़ा है। तो ये सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। और यहाँ कभी भी ये कह रहे हैं मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मेरी अपनी भी कुछ विशेषताएं हैं, मेरा एक अपना भी परिचय है। तो जो बच्चे कक्षा में बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग हैं उनके लिए यहाँ है कि उनके भी अपने मन का कुछ गान है। हालांकि शिक्षक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसी की किसी उसको यदि हमारे किसी विशेष प्रेम की आवश्यकता है, विशेष हमारे सहयोग की आवश्यकता है तो हम उसे बिल्कुल वो सहयोग दें। और यहाँ कवि फिर कहते हैं मैंने उनके उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। उद्गार का मतलब यू तो साधारण अक्षरों में कहें कि भाव होता है, लेकिन उद्गार भावों का एक आवेग है। हमारे हृदय में अनेक तरह के भाव होते हैं, हम एक ही साथ कई तरह के भाव करते हैं। मैं आपसे इस वक्त इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं इस वक्त मेरे मन में ये भाव भी है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ आ जाए, मेरे मन में ये भाव भी है कि यार कहीं नेट ना हिल जाए, मेरे मन में ये भाव भी है कि मेरी आवाज साफ जाए। तो एक साथ कई भावों को मैं अपने मन में लिए बैठा हूं। यहाँ कवि कह रहे हैं मैं निज उड़के अपने हृदय के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। संसार भी अपूर्ण है, केवल कभी केवल हम ही अपूर्ण नहीं है। अगर हम में कोई कमी है, हम में कोई किसी चीज की कमी रह गई, किसी गुण की कमी रह गई है, तो केवल हम ही अपूर्ण नहीं है, ये पूरा संसार ही अपूर्ण है। एक अंग्रेजी में कहावत है इट नीड्स ऑल टाइप ऑफ पीपल टू मेक दिस वर्ल्ड। जब सभी तरह के लोग मिलते हैं तभी ये समाज बनता है, तभी ये संसार बनता है, तभी हमारी कक्षा बनती है, तभी हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। तो देखिए कभी अपना परिचय दे रहा है, जो आपका प्रश्न था शायद मैं कविता का भाव बताते बताते प्रश्न से थोड़ा सा दूर हो गया, कि कवि का आत्म परिचय अपने आप से है कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर के भाव क्या है, मेरे अंदर क्या क्या है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, मैं अपने हृदय में अग्नि जलाता हूँ। लोग अग्नि से भागते हैं, लेकिन ये अग्नि कौन सी है, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, मेरे पास सुख है दुख है, मैं संसार में मस्त हूँ। अपना परिचय कभी दे रहे हैं। तो जो आपका प्रश्न था आत्म परिचय का कि आत्म परिचय शीर्षक क्यों दिया है, कारण ये है आत्म परिचय देने का कि कवि अपना परिचय संसार के साथ साथ अपने आप को भी दे रहा है। तो मुझे लगता है शायद मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सका हूं। बिल्कुल सर, हमने जिस तरह से यहाँ पे आत्म परिचय का मतलब समझा, लेकिन कवि ने एक आत्म परिचय की परिभाषा तो समझा दी। अगर कवि के भाव संसार से इतने अलग हैं तो वो संसार के साथ सहयोग कैसे बिठा पाएंगे, और अगर हम इसको इंक्लूसिव क्लासरूम में समझना चाहें तो किस तरह से हम आसानी से समझा सकते हैं। देखिए ये जो संसार के साथ सहयोग है, जो संसार का सामंजस्य है, ये दो तरफा सामंजस्य, दो तरह का सहयोग है। केवल मनुष्य ही संसार से सहयोग नहीं करता है, संसार भी मनुष्य से सहयोग करता है। और इस सहयोग का मतलब अपने आप को भुला देना नहीं है। मनुष्य के हृदय की जो अवस्थाएं हैं, जो मनुष्य के हृदय के भाव हैं, वो तो उसकी सच्चाई है, वो उसकी एग्जिस्टेंस है। वो अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म करके, अपनी सच्चाई को खत्म करके समाज में विलीन नहीं हो जाता, समाज में खो नहीं जाता, वो समाज का अंग है। हर बच्चा समाज का अंग है, हर विशेष व्यक्ति समाज का अंग है। उसमें कोई भी विशेषता हो सकती है, वो विशेषता कला के क्षेत्र में हो सकती है, वो विशेषता साहित्य के क्षेत्र में हो सकती है, यहाँ तक उसके रोजगार की भी विशेषता है। हर व्यक्ति का रोजगार अलग अलग है, इसलिए तो समाज चल रहा है। समाज के सभी लोगों को किसान बना दे तो फैक्ट्री में कौन काम करेगा, समाज के सब लोगों को फैक्ट्री में लगा दे तो घर बिल्डिंग कौन बनाएगा, मजदूर कौन बनेगा, संसार में सबको मजबूत बना दे तो जो हमारे डिप्लोमेटिक वर्क है वो कौन करेगा। तो हर तरह के लोग हैं, अपनी विशेषता को समाज में स्थापित करना है।
जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी हैं वो भी हमारे समाज का अंग हैं, शायद उनमें ऐसी कई विशेषताएं हैं जो हम नहीं जानते, जो हम में नहीं है, जो हम में कमी है, हम उनसे भी सीख सकते हैं। तो कभी भी यहाँ यही कहता है कि हर अपने आप को समाज में लीन करने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी सच्चाई को, अपने अस्तित्व को मिटा दें। जहां पढ़ रहे थे, अगर हम उसके आगे देखें तो कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। उन्माद का अर्थ मस्ती से है कि जवानी की जो मस्ती होती है, जवानी का जोश होता है, जो उत्साह होता है, कवि अपने अंदर वो उत्साह भी लिए हुए हैं। हालांकि ऊपर वाले लाइन में कहा था कि सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं, और उसके ऊपर था कि हृदय में अग्नि रहा करता हूं। तो यहाँ केवल अग्नि और केवल दुख की बात नहीं है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, और जो मस्ती है उसमें सुख और दुख दोनों ही शामिल है। कहीं ना कहीं अगर किसी चीज की कोई कमी है तो मैं उस कमी को भी अपने स्वीकार करता हूं। जो मुझको बाहर हंसा भीतर रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। अब जहां हम याद की बात करते हैं तो इसका साफ मतलब है कि कवि ने अपने आप को समाज से अलग नहीं किया है। समाज में ऐसी कोई घटना है, समाज में ऐसा कोई व्यक्ति है, समाज में उसका ऐसा कोई संबंध है जिसकी याद में कभी हंस भी रहा और कभी रो भी रहा है। और ये हर मनुष्य के साथ है। हर मनुष्य अपने सपनों में जितना मर्जी खोया रहे और दूसरों के सामने अपने आप को जैसे मर्जी प्रस्तुत करे, उसके खुद के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी घटना की, किसी ना किसी संबंध की, किसी ना किसी व्यक्ति की ऐसी याद बसी ही रहती है। इसलिए, और ऐसा नहीं है कि आपने अक्सर एक शब्द सुना है, मैं अक्सर बच्चों से कहा करता हूं, हम एक शब्द सुनते हैं परमात्मा। एक हमारे अंदर आत्मा है और एक परमात्मा है। वो परमात्मा, परम आत्मा या पूरी आत्मा तभी बनती है जब हम और वो आपस में मिलते हैं, जब हमारी आत्मा का परमात्मा मिलन होता है। जैसे हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, ऐसे ईश्वर भी हमें पाना चाहता है। तो जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तभी दोनों पूर्ण होते हैं। ऐसे ही मनुष्य और ये समाज या संसार जब एक दूसरे से मिलते हैं तभी पूर्ण होते हैं। अन्यथा दोनों ही अपूर्ण है, ना व्यक्ति पूर्ण है ना समाज पूर्ण है। दोनों का मेल एक दूसरे को पूर्ण कराता है। या कवि भी कहते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। सवाल है, कर यत्न मिटे सब, क्या सत्य किसी ने जाना? ये सत्य क्या कोई जान सका है कि भैया हमें एक दूसरे से मिलना ही है? इस समाज को पूर्ण करने के लिए हमारा अस्तित्व बहुत जरूरी है। अगर हम अपने अस्तित्व को भुला देंगे तो समाज भी पूर्ण नहीं होगा। नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। सीखा ज्ञान भुलाना, जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं, कि हमने समाज को अलग अलग बांट दिया, हर व्यक्ति समाज का हमने अलग कर दिया, तो उस सीखे हुए ज्ञान को, अपने उस मान्यताओं को, पुरानी परंपराओं को तोड़ना भी है और नई परंपराओं को स्थापित करना है कि हर व्यक्ति, अलग व्यक्ति भी समाज का हिस्सा है, वही समाज को पूर्ण कर रहा है। और ये तो हमारे साहित्य में और हमारे अध्यात्म में बहुत पुराना मिलता है। महात्मा बुद्ध ने सामाजिक परंपराओं का विरोध किया था और तब वो बुद्ध कहलाए थे। तो केवल सामाजिक परंपराओं का विरोध करने वाला हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम आजकल पढ़ते हैं कि हुक्का पानी बंद हो गया। तो सामाजिक परंपराओं का विरोध करना बुरा नहीं है, अगर वो परंपराएं मनुष्य के विकास के या समाज के विकास में बाधक हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, उन पुरानी परंपराओं को, उन जड़ परंपराओं को जो किसी भी मनुष्य के और समाज के विकास में बाधक है, मैं उसको भुलाना भूल रहा हूं। तो इसलिए ये जो सहयोग और जो सामंजस्य है, ये मनुष्य समाज से कर रहा है और समाज मनुष्य से कर रहा है, इस बिल्कुल तरह से सहयोग करके बढ़ रहे हैं। जी, बिल्कुल सर, कवि इस तरह से समाज के साथ एक सामंजस्य तो बिठा रहा है, तो फिर इसे समाज से अलग कैसे रह सकते हैं? नहीं, इसमें जो समाज से अलग रह रहे हैं वो दोनों के अस्तित्व की बात है कि कवि और संसार के जो भाव है वो दोनों अलग अलग है। हम पहले पढ़ रहे हैं कि अगर हम यहाँ देखते हैं पहली ही लाइन, अगर हम अगले जो हमारा सातवां पैराग्राफ, सातवां अनुच्छेद पद्यांश कविता का, कहते हैं मैं और जग और। अभी के शब्दों का भी खेल देखिए, मैं और जग और। मैं कुछ और हूं और जग कुछ और है, कहां का नाता कि हम कैसे मिलेंगे? मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो ऐसे कितने ही संसार अपने मन में रोज बनाता हूं। और ये हम सब करते हैं। आप शायद वहां बैठे बैठे अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं इस सेशन के बाद अपनी सहेली से मिलूंगी और उसके साथ मैं लंच करूंगी और लंच पे मैंने उसको ये बात बतानी है। और लेकिन सेशन के बाद आपको कुछ कह दे कि एक सेशन और करना है या कुछ ऐसा करना है, तो एक जग जो हमने अभी बनाया था कि कुछ देर बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम उस जग को मिटा देते हैं।
हम रोज अपने अंदर कई जग बनाते हैं जिसमें हमारे अपने संबंधों के साथ हमारी अपनी आत्मीयता होती है। वो आत्मीयता हम संसार में चाहे सबके सामने प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने मन में अपने आत्मीय से जिस तरह से बात करते हैं, उस तरह की जो बात है वो यहाँ पर सबसे अलग है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कितने ही ऐसे संबंध है जो रोज मेरे अंदर पनपते हैं और मिटते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। हर पग पे जो आप कह रहे हैं कि वो समाज से अलग किस तरह है, कि वो समाज की उन पुरानी परंपरा और रीतियों को अलग कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है मैं और जग और। संसार के भाव और उद्गार किसी और तरह के हैं, मेरे मन के भाव और उद्गार किसी और तरह के हैं, तो मैं संसार के भावों को स्वीकार करूंगा और संसार मेरे भावों को स्वीकार करेगा। तभी जो हम पहले बात कर रहे थे पूर्णता की, वो तभी पूर्ण होगा। हर व्यक्ति की जो उसका अलग अस्तित्व है वो निश्चित है, उस निश्चित अस्तित्व के साथ हम उस व्यक्ति को स्वीकारें। ये मान के चले कि हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति अलग है, भिन्न कोई नहीं है, यूनिक सभी है। तो कवि कह रहे कि ऐसे कितने ही विचार रोज मेरे मन में पनपते हैं, मैं रोज ऐसे ही संसार में ऐसे कई संसार अपने मन में बनाता हूं, मिटाता हूं। तो जब मैं इस समाज को ठुकराता हूं तो मैं इस संसार से विरक्त भी होता हूं और साथ ही साथ एक संसार का सृजक भी होता हूं। मैं अपने मन में ही कई संसार बनाता हूं। आगे वो कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। जो मेरा रोना है, अब किसी रोते हुए व्यक्ति से तो हम केवल सांत्वना व्यक्त करते हैं, लेकिन मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। अपने रोदन में भी वो एक राग, एक संगीत की बात कर रहे हैं कि जिसे संसार रोना कह रहा है, कि अपने दुखों को जब मैं व्यक्त करता हूं और संसार कहते हैं कि अपना रोना रोता रहता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये पेड़ मेरा रोना नहीं है, ये तो एक राग है, मेरे मन का एक भाव है। मैं रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। फिर से विरोधाभास, वाणी शीतल है और उसमें अग्नि भी है, तो भिन्नता। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। मेरे जो खंडर है, जो मेरे दुख हैं, इन दुखों पर भूपों के प्रसाद, बड़े बड़े राजाओं के महल भी निछावर है। मुझे अपने दुख भी दूसरों के सुख से प्यारे हैं, मैं दूसरों के सुख से दुखी नहीं हो रहा हूं, मैं अपने दुखों से इतना प्यार कर रहा हूं कि मैं अपने दुखों के लिए किसी के भी सुख को, बड़े बड़े लोग भी अपना जब सुख बलिदान कर देंगे तब वो मेरे झेले हुए दुखों को पा पाएंगे। तो अपने दुखों को भी वो, क्योंकि हमने अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा है, जब पीछे पैराग्राफ में उन्होंने कहा था कि किसी की याद मुझे रुलाती और हंसाती है, वो जो याद है, उस याद को जब वो याद रुला रही है, कभी उस जो रुलाने वाली यादें हैं उनको भी छोड़ना नहीं चाहता है, उनका भी परित्याग नहीं करना चाहता है, वो उन यादों को, उन दुख भरी यादों को भी अपने मन में सहेज कर रखना चाहता है, क्योंकि यही यादें अभी रुला रही हैं, कुछ समय बाद वही व्यक्ति या वही घटना या उसी संबंध की याद हंसाएगी भी। तो हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, बड़े बड़े राजाओं के महल भी जिस पर न्योछावर होते हैं, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। इस तरह के जो खंडर हैं, जो टूटी फूटी इमारतें हैं, जो मेरे मन के दुख हैं, मैं उन दुखों को भी अपने मन में सहेज कर रख रहा हूं। जो मेरे अभाव हैं वो दूसरों के सुख सुविधाओं से भी बेहतर है, तो समाज का हिस्सा होकर वो समाज से अलग भी है। बिल्कुल सर, जिस तरह से कवि ने बताया कि वो समाज के साथ तालमेल भी बिठाते हैं, समाज से अलग होकर भी उसके साथ रहते हैं, अलग अलग जिसे कहते हैं भाव अपने व्यक्त किए हैं इस कविता में, लेकिन कवि संदेश क्या देना चाहते हैं? जहां से अपने आत्म परिचय से शुरू किया था जी, संदेश भी वहीं से हमारे निकलता है कि ये संसार से कवि के भाव नहीं समझता, और जो कवि के भाव है उनको अलग दृष्टि से देख रहा है। कवि के मन में तो राग है और संसार उसका रोदन समझ रहा है, उसका रोना समझ रहा है। तो कवि ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे संसार की परवाह नहीं करता, ऐसा संसार जो कि मेरे भावों के साथ अपने भावों को जोड़े नहीं पा रहा है, मेरे भावों को अपने भावों के साथ उसका सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहा है, तो मैं ऐसे संसार के में लीन नहीं होना चाहता, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, और मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना, कि मेरे दुखों में भी तुम अपना रस ढूंढ रहे हो। मेरे ऊपर तो कवि ने कहा कि जो मेरे दुख है मैं उस पर संसार के कई सुख न्योछावर करता हूं, और कवि के इस दुख पे वो कह रहे हैं मैं रोया, मैं तो दुखी हूं, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना, क्यों
कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मुझे कवि मत कहो, मैं केवल अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, कि मैं अपने मन का जो भाव है वो उन्मुक्त होकर व्यक्त कर रहा हूं, निश्चिंत तो होकर व्यक्त कर रहा हूं। मैं उन भावों में ये नहीं चाहता कि मेरे उन भावों में संसार आनंद ले, कि मैं अपने दुख के भाव व्यक्त कर रहा हूं और संसार कहता है गाना, मैं अपने दुख के भाव व्यक्त करता हूं संसार कहता है छंद बनाना। तो कवि का संदेश यही है कि इस संसार की परवाह इतनी भी नहीं करनी है, हम संसार का हिस्सा हैं, समाज का हिस्सा हैं, लेकिन हम इसकी इतनी परवाह भी नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन का संदेश यही है कि भिन्नता और स्वीकार्य दोनों साथ साथ हैं। कहते हैं अंतिम पद्यांश में कवि कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, और दीवाना अपनी मस्ती में चलता है, उसको किसी से कोई परवाह नहीं है। शायद बच्चों ने हमारी कविता पढ़ी है 8वीं क्लास में, दीवानों की हस्ती, जिसमें वो दीवाना बिल्कुल निडर होकर चलता है और अभी यहाँ अभी वहां कैसा चलता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मेरे अंदर मादकता भी है, ऐसी मस्ती भी है कि जिससे किसी की परवाह नहीं है। बच्चों ने कई अपनी 11वीं कक्षा में संतों के और सूफियों के पाठ भी पढ़े हैं, तो मस्ती में रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी मस्ती में वो अपने भाव व्यक्त करते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जो आपने संदेश की बात की थी वो संदेश मस्ती का है, कि इस संसार से भावों और उद्गारों के भिन्नता होने के बाद भी इस संसार, यह संसार जब मेरे भावों को नहीं समझता है तो उसे मैं भी अस्वीकार करता हूं, लेकिन फिर भी इस जीवन यात्रा में मैं दूसरों के सुख दुख को समझता हूं, जो दूसरों के सुख दुख हैं वो मेरे ही सुख दुख हैं, मैं उनके दुख में दुख महसूस करूं, ऐसा ना हो कि मैं रोया और तुम कहते हो गाना, ऐसे ही दूसरी तरह से भी ना हो कि किसी का रोना हो और मैं उसको गाना समझ रहा हूं। ये जो संदेश है ये सामंजस्य का संदेश है, कि हम दूसरों के भावों को स्वीकार करें और दूसरे हमारे भावों को स्वीकार करें, तभी एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण हो सकता है। तो ये कवि का संदेश है कि जो जीवन यात्रा वो पूरी तभी होती है कि हम भिन्नताओं को भी स्वीकारें। बिल्कुल, तो इस कविता में हमने ये समझा कि जीवन यात्रा तभी पूरी होगी जब हम विचारों सेम विचारों के साथ वाले व्यक्ति और विचारों में भेद वाले इन लोगों के साथ मिलजुल कर चले। सर, अब क्योंकि हमारे पास समय है तो क्यों ना एक छोटा सा रिवीजन करवाया जाए इस कविता पर। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने इसलिए इस कविता को थोड़ा सा जल्दी समाप्त करने का प्रयास किया कि जो रिवीजन होती है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए बड़े जरूरी होते हैं, और कविता के जो मेन पॉइंट्स है वो इसी तरह के हैं कि सबसे पहले तो हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को भी और अपनी कमियों को भी स्वीकार करना है। ये संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, सभी की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, हर क्लास का हर बच्चा बिल्कुल यूनिक है, किसी भी बच्चे में कोई भी विशेषता है, उस विशेषता को वह बच्चा खुद भी स्वीकार करे। हमें खुद भी कभी डिप्रेशन में नहीं होना है कि सब बच्चे तो इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, मुझे बॉलिंग करने नहीं आती, ये XYZ बच्चा तो इतनी अच्छी बैटिंग करता है, मुझे बैटिंग करने नहीं आती, जो विशेषता मेरे में वो शायद उस बच्चे में नहीं है। तो इसलिए संदेश में भी यही बात है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को स्वीकारे, और अपने साथ साथ यदि हर व्यक्ति ऐसा करता है, क्योंकि समाज अलग अलग व्यक्तियों का समूह है, भिन्न व्यक्तियों का समूह है, और अगर हर व्यक्ति ही अपनी क्षमताओं को और अपनी कमियों को स्वीकार करता है और उसके साथ साथ दूसरों की यूनिकनेस की भी इज्जत करता है, दूसरों की यूनिकनेस का ऑनर करता है, तभी एक स्वस्थ समाज बनता है जिसमें सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, और इसी से इस संसार की, इस समाज की पहचान सुरक्षित रहती है। अगर ये संसार आज इतने सालों बाद भी चल रहा है, ये समाज का निर्माण धीरे, जब हजारों साल पहले जब मनुष्य इस धरती पर प्रकट हुआ होगा तब किसी प्रकार का समाज नहीं होगा, समाज जो धीरे धीरे बना है वो धीरे धीरे समाज बना ही तभी जब मनुष्य ने एक दूसरे को स्वीकार करना शुरू किया, अपने अहम को, अपने सेल्फ को त्याग कर कि अहम कुछ नहीं रखना है, दूसरा भी मेरे जैसा ही है, मुझ जैसा ही दिखता है, मुझसे थोड़ा सा भिन्न है लेकिन मुझ जैसा ही दिखता है, तो उस मुझ जैसे दिखने वाले व्यक्ति के भावों का मैं सम्मान करूं, उसके साथ मिलजुल के रहूं, और हर व्यक्ति का यदि यही होगा कि हर व्यक्ति की यूनिकनेस को हम स्वीकार करेंगे और मिलजुल के आगे चलेंगे, तो एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे
जिसमें सहयोग भी होगा और जिसमें दूसरों के स्व की, दूसरों की यूनिकनेस की इज्जत भी होगी। और इसके मूल में सबसे बड़ी भावना यही है कि कोई भी पूर्ण नहीं है, अपने आप में कोई भी कंप्लीट नहीं है। हम मैं मेरे पास बहुत सारा धन दौलत हो सकता है, लेकिन मैं अपने लिए गेहूं नहीं उगाता, मैं अपने लिए चावल नहीं उगाता, मैं अपने लिए सब्जी नहीं उगाता, मैंने अपना घर खुद नहीं बनाया, मैंने अपनी गाड़ी खुद नहीं बनाई, मैं कुछ मजदूरों पर निर्भर था जिन्होंने मेरा घर बनाया, मैं कुछ फैक्ट्री वर्कर्स पर निर्भर था जिन्होंने मेरे लिए कार या मोटरसाइकिल बनाई, मैं कुछ किसानों पर निर्भर था। तो अपने आप में पूर्ण कोई नहीं है, इस समाज में कोई पूर्ण नहीं है। जब ये सभी लोग आपस में मिल जाएंगे तब एक स्वस्थ समाज बनेगा और एक स्वस्थ समाज से एक स्वस्थ देश का निर्माण होगा। तो हम अपना परिचय अपने आप को दें कि हम यूनिक हैं, और ऐसा ही परिचय हर कोई अपने आप को दे रहा है, तो हम उसको भी समझे कि हर कोई यूनिक है, सभी यूनिक है, संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। और इस संसार की पूर्णता में यही है कि जब ये संसार पूर्ण हो गया तो कोई भी अपूर्ण नहीं रहा, अब तो सभी पूरे के पूरी यूनिटी पूर्ण हो गई। जब एक पूरा परिवार होता है जिसमें सभी सदस्य होते हैं, तो यहाँ पूर्णता का भाव भी है, अपनी अपूर्णता को हम दूसरों में समाहित करते हैं, सभी मिल जाते हैं तब पूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कविता में हमने समझा कि एक दूसरे की यूनिकनेस को, एक दूसरे की क्वालिटी को अपनाकर हमें इस संसार में आगे बढ़ना है। तो सर, अब चलते हैं कीवर्ड्स की तरफ, क्योंकि ये हमारा सबसे अहम हिस्सा है। हमारा पहला कीवर्ड है झंकृत, झंकृत। हमारा दूसरा कीवर्ड है उद्गार, उद्गार। हमारा तीसरा कीवर्ड है उन्माद, उन्माद। तो ये हमारे कीवर्ड्स थे सर। अब क्योंकि हमने चैप्टर भी पढ़ा है और आपने उसकी रिवीजन भी कराई है, तो अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। तो क्या लाए आज बच्चों के लिए होमवर्क में? कुछ मत तो जी जो कविता से बड़ी संबंधित हैं, पीछे भी दिए हैं एक पंक्ति जो बीच में पढ़ते पढ़ते भी मैंने जिसका जिक्र किया था, मैं और जग और कहाँ का नाता। इसमें देखिए और शब्द भी 3 बारी आया है, लेकिन तीनों जो है वो अलग अलग भिन्नता लिए, मैं कुछ और हूं, और जो दूसरा और है ये एंड के लिए है। तो और शब्द दोनों साथ साथ हैं लेकिन दोनों में भिन्नता है, मैं और जग और जग कुछ और है, जग में कुछ भिन्नता है। तो यहाँ जो और की विशेषता है वो तो शाब्दिक अर्थ पर है, इससे संदेश भी है कि हम सब यूनिक हैं, हमें सबका जो सबकी जो यूनिकनेस है उसका उसका हमें ऑनर भी करना है, हमें उसका सम्मान भी करना है। अपने आप को हे नहीं समझना है, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, हमें अपनी यूनिकनेस की सबसे पहले इज्जत करनी है कि मैं यूनिक हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। तो ये इसका पहला प्रश्न था जी। और दूसरा जो प्रश्न मैंने जहां विरोधाभास की बात की थी कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग का क्या, कि मेरे वाणी तो शीतल है, जो यहाँ आग है वो केवल जलन देने के लिए नहीं है, उस आग में उत्साह भी है। मेरी शीतल वाणी में जो आग है, आग जैसे सभी ओर फैलती है, आग की जो उष्णता होती है, जो आग की गर्मी होती है सर्दी में, वो सबको समान रूप से मिलती है। तो जो मेरी शीतल वाणी है, मेरी उस शीतल वाणी में जो मेरे भाव हैं वो सभी के पास समान रूप से हैं। तो ये हमारे जो प्रश्न थे कविता से संबंधित ही प्रश्न थे, पाठांत प्रश्नों में भी दिए गए हैं, तो ये बड़े दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चों को उस पर ध्यान देना चाहिए। और सर, इसी पर इन्हीं, हाँ जी होमवर्क आप के करें बाद अब आती है बारी होमवर्क मॉडिफिकेशन की। सर, होमवर्क जी। मॉडिफिकेशन में क्या है? होमवर्क मॉडिफिकेशन में जी शब्दों के जो अर्थ होते हैं और जो उनका हम जैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं उससे अलग अलग छटाएं मिलती हैं। हम बच्चे बच्चे अक्सर अपने कुछ एक क्लास में चुटकुले वगैरह सुनाते हैं, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। तो शब्दों का जो हेर फेर होता है वो किस तरह से उनमें विराम चिन्ह का हेर फेर होता है, यहाँ कविता में हमने और शब्द से ये सीखा है कि मैं और शब्द और, तो इस तरह से जो किसी भी तरह की जो चीजें होती हैं वो इस तरह से अलग अलग हो जाती हैं। तो शब्दों के जो अर्थ होते हैं और जो उनकी नई छटाई होती है, ये पहला प्रश्न मॉडिफाइड किया है। और दूसरा शीतलता और आग, जो मैंने विरोधाभास की बात की थी, तो यहाँ भी दोनों अर्थ जो है वो विपरीत है। कवि ने इनका प्रयोग क्यों किया कि वो शीतलता में जो अच्छे भाव है, जो उसकी अग्नि है, जो उसकी उष्णता है, जो सभी में समान रूप से वितरित होती है, तो जो मेरे भावों की शीतलता है वो भी समान रूप से वितरित हो रही है, उससे संबंधित है ये दोनों शब्द। तो ये हमारा होमवर्क और होमवर्क मॉडिफिकेशन है, लेकिन इसको सबमिट करने के लिए यानी गृह कार्य प्रस्तुति प्रारूप जो होगा वो इस प्रकार होगा। सबसे पहले आपको अपना नाम, उसके बाद अपने क्लास, देन स्कूल का नाम और एड्रेस,
उसके बाद अपने एक्सपर्ट और टीचर का नाम, आपकी सेशन डेट की यानी कि आज 14 फरवरी, उसके और उसके बाद आपकी फोटोग्राफ। फोटोग्राफ ऑप्शनल है लेकिन आप अगर भेजेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये आपका होमवर्क सबमिशन फॉर्मेट है, इसको आप हमें मेल कर सकते हैं dth.class12@cit.nic.in पर। सर आज के सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उदय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी स्वस्थ रहें, धन्यवाद।